एचएफएनसी मशीन स्विच ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले ये डिसइंफेक्शन कब किया वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसमें तीन लाइट्स होता है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। ये रेड और ऑरेंज दिखाता है तो इसका मतलब अंदर डिसइंफेक्शन पूरा नहीं हुआ है, तो आप मशीन को पेशेंट में लगा के शुरू नहीं करना। तब ग्रीन लाइट दिखाता है, इसका मतलब है अंदर पूरा डिसइंफेक्टेड है, आप पेशेंट्स में सर्क्यूट लगा के एचएफएनसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब ग्रीन लाइट दिखाता है, फिर आप पेशेंट का सर्क्यूट लगा दिया, पेशेंट का नेसल इंटरफेस लगा दिया। आप अभी पेशेंट को क्या, कितना ऑक्सीजन देना चाहिए, कितना फ्लो देना चाहिए, ये सब चीज़ आप डॉक्टर से ऑर्डर लेके आप यहाँ पे सेटिंग्स करना पड़ेगा। तो ये जो सेटिंग्स के लिए हम तीन चीज़ सेट करते हैं, एक टेम्परेचर, एक फ्लो और तीसरा चीज़ FiO2, मतलब जितना परसेंट ऑक्सीजन HFNC से डिलीवर होना चाहिए। तो HFNC का अंदर खुद का एक ब्लेंडर होता है जिसमें आप ऑक्सीजन दे रहे हो ऑक्सीजन ट्यूबिंग से उसको, और जो बाहर का हवा है वो दोनों मिक्स करके ये जितना परसेंट ऑक्सीजन है जितना हम सेट करते हैं उसके हिसाब से वो दे देता है। तो सबसे पहले आप टेम्परेचर को सेट करना है। तो टेम्परेचर सेट करने के लिए प्ले बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे टेम्परेचर का जो सबसे ये ब्लिंक हो जाता है, ये पॉइंट आ जाता है। फिर तो इसके बाद आप जो ऊपर और नीचे वाला एरो की से ये दोनों एक साथ दबाना चाहिए। एक साथ दबाने से आपको ये टेम्परेचर का जो इंडिकेटर है ये ब्लिंक होने शुरू करेगा। तो इसको फिर वापस आप सेट कर सकते हो नीचे और ऊपर, जितना आपको हवा का टेम्परेचर आप चाहते हो उस टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आपको वापस ये प्ले बटन प्रेस करना है। प्रेस करने से ये लॉक का ये जो चीज़ है ये ब्लिंक करता है, फिर वापस प्ले बटन प्रेस करने से ये टेम्परेचर लॉक हो जाता है। तो यूजली हम टेम्परेचर 37 डिग्री से सेट करते हैं HFNC मशीन से। उसके बाद वापस प्ले बटन दबाने से आपका फ्लो का ये जो पैनल है वो आ जाएगा। ये फ्लो पैनल को भी आप एडजस्ट करने के लिए ये ऊपर और नीचे वाला एरो की से ये दोनों एक साथ दबाना चाहिए। एक साथ दबाने से ये फ्लो का इंडिकेटर है ये ब्लिंक होने शुरू करेगा। ये ब्लिंक होने शुरू करने के बाद आप ये फ्लो को नीचे और ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। यूजली हम 30 लीटर्स पर मिनट से स्टार्ट करते हैं एडल्ट्स के लिए, फिर धीरे धीरे हर दो दो तीन तीन मिनट में हम 5-5 लीटर पर मिनट बढ़ाते जाता है। मैक्सिमम हम 60 लीटर्स पर मिनट तक सेट कर सकते हैं। फिर वापस आप सेट करने के बाद इसको वापस प्ले बटन दबा के इसको लॉक कर दीजिए। फिर वापस एक और प्ले बटन दबाने से आपको FiO2 का ये जो LED इंडिकेटर है ये मिल जाएगा। ये FiO2 आप यहाँ पे सेट नहीं कर सकते हो, ये चीज़ डिफरेंट है आप इससे पहले टेम्परेचर और फ्लो सेट करने का तरीका से। FiO2 सेट करने के लिए आप फ्लो मीटर पे एडजस्ट करना चाहिए। ये जो फ्लो मीटर है जब पूरा बंद है आपको वहाँ पे 21% FiO2 करके दिखाएगा। जैसे धीरे धीरे आप फ्लो मीटर से ऑक्सीजन खोलने शुरू करोगे यहाँ पे फ्लो मीटर में ऑक्सीजन का नंबर बढ़ने शुरू हो जाएगा। तो आपको मान लो 40% ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे जब तक 40 आ जाता है तब तक आप ऑक्सीजन फ्लो मीटर से इंक्रीज करते जाना चाहिए। तो जब 40 हो जाते हैं आप ऑक्सीजन इंक्रीज करना बंद करना है फ्लो मीटर पे और आप ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो अभी हमारा पेशेंट पे हवा मिल रहा है 60 लीटर्स पर मिनट, 41% FiO2, वो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो हवा है हमारा पेशेंट पेशेंट के लिए जा रहा है।